कर रही हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री ललित कुमार ओस्तवाल। माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव विवाह समारोह एवं अन्य धार्मिक समारोह में संख्या बढ़ाने हेतु पिछले 20 महीने से पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। इस महामारी में हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। पिछले 20 महीनों में राजस्थान में सभी धार्मिक समारोह, जिसमें गणपति महोत्सव, जन्माष्टमी, जल जुलनी एकादश शोभा यात्रा, महावीर जयंती शोभा यात्रा, तपस्वी भाई बहनों की शोभा यात्रा, भागवत कथा, तेजादशमी, अनंत चतुर्दशी एवं अन्य धार्मिक आयोजन सभी बंद हैं या आंशिक रूप से हो रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान विवाह समारोह में कभी 200 व्यक्तियों की, कभी 100 व्यक्तियों की, कभी 50, कभी 40, तो कभी केवल 11 व्यक्तियों की छूट दी जाती रही है। इससे पूरे प्रदेश में विवाह स्थल, वाटिका, पार्टी प्लॉट के मालिकों की स्थिति बहुत दुर्बर हो गई है तथा यहाँ लगे स्टाफ को वेतन भी समय पर भुगतान नहीं होने से भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी से संबंधित हलवाई, टेंट वाले, लाइट डेकोरेशन, बैंड बाजे, साउंड सिस्टम, जनरेटर, फ्लावर डेकोरेशन, घोड़ी, कैटरिंग तथा और भी लोग जिनकी रोजी रोटी विवाह समारोह पर निर्भर है, इन सभी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और अभी सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन में छूट मिली हुई है। यहाँ तक कि विभिन्न चुनाव भी हुए हैं जिसमें आम सभाएँ भी हुई है। इस वक्त कोरोना का प्रकोप कुछ कम भी हुआ है, अतः मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि विवाह समारोह एवं दूसरे धार्मिक आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की कृपा करें। सादर बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री गिरधारी लाल। माननीय श्री अशोक लाहोटी। माननीय गिरधारी लाल। ओके सभापति महोदय,